अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज बहुत ही स्पेशल जगह के ऊपर लेकर आए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं लोहारी गेट के बिल्कुल ऑपोजिट, और यहाँ पर क्या ज़बरदस्त किस्म के पराठों के शशके चल रहे हैं भाई। पराठे पराठे, आह हा 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 भाई, क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। आलू वाले पराठे हैं जनाब, मक्खन है, देसी घी है, क्या ज़बरदस्त किस्म के लकड़ियों के ऊपर जो है वो शशके चल रहे हैं। आएँ ज़रा आपको चेक करवाते हैं। ये है जनाब सर्कुलर रोड, लोहारी गेट के बिल्कुल ऑपोजिट, और यहाँ पर मिलेगा आपको मेहमान खाना रेस्टोरेंट, और उसके नीचे रात को ये चल रहे हैं भाई साहब शशके पराठों के। यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, बड़े शदीद किस्म के यहाँ पर बना रहे हैं पराठे। तो यहाँ पर जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म का माहौल चल रहा है। आलू वाले पराठे हैं, आलू वाले पराठे, उसके साथ साग है, मक्खन है, अंडे शंडे हैं, स्पेशल चटनी है, उसके अलावा बड़ा ही कमाल का माहौल चल रहा है भाई। ये क्या है? मक्खन। मक्खन है ये, चटनी? हाँ जी। टमाटर की चटनी? हाँ जी। वो साग हो गया? हाँ जी। ज़बरदस्त है। वो आलू, आलू वाले ही पराठे हैं बस। हाँ, ये चेक करें जनाब, हैवी तरीके से पेड़े शेड़े बन रहे हैं और पराठे लग रहे हैं। मज़े की चीज़ ये है कि यार यहाँ पर बन रहे हैं लकड़ियों के ऊपर पराठे, और फुल हैवी किस्म की जो एक फील होती है ना लकड़ियों की, जिस तरह गाँव में पराठे बनते थे भाई, वो वाली फील के साथ बन रहे हैं। और क्या स्पीड है भाई पराठे बनने की, आउटस्टैंडिंग माहौल है यहाँ पर। हेलो जनाब, बाबा जी बना रहे हैं पराठे। जी की हाल है बाबा जी? की कर रहे हो जनाब? बड़ा माहौल बनाया इतने। कदों का ला रहे हो? 1945 तो। की अपने को आलू वाले पराठे? चौबी घंटे चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 1 रुपए का पराठा देसी घ्यो वाला बेचते थे? देखो जी, ऑनेस्ट है बाबा जी, प्रॉपर ऑनेस्टी से बता रहे हैं कि भाई देसी घी वाला जो है वो 1 रुपए का देते थे। लस्सी अपनी नहीं लाई? अपनी लस्सी लगी। अच्छा, अपनी लगी। अच्छा, बंद कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। लो जी, बाबा जी बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं कि भाई उन्होंने 1945 से शुरू किया था, और इनके वालिद साहब जो हैं वो ये लगाते थे, उसके बाद इन्होंने शुरू किया। और ये कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए का हम लोग देसी घी वाला पराठा जो है वो देते थे आलू वाला, और अब ये दौर आ गया कि 70 रुपए का हम लोग पराठा दे रहे हैं। 70 रुपए अभी भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, मतलब 70 रुपए का आलू वाला पराठा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई 70 रुपए वाले पराठे में वो बात नहीं है जो हम पहले 1 रुपए का जो पराठा देते होते थे देसी घी वाला, उसमें बात होती थी। भाई फुल ऑनेस्टी से बता रहे हैं कि भाई आजकल मंदा चल रहा है, 1 रुपए वाला दौर ज़्यादा बेहतर था। हाँ जी भाई, कहाँ से आए हैं खाने के लिए? भाई हम स्पेशल कोर्ट अब्दुल मालिक से आए हैं। ठीक है। अच्छा, इतनी दूर से? इतनी दूर से आए तो स्पेशली खाने के लिए आए, घर में भी बनते हैं लेकिन इतनी टेस्ट नहीं। अच्छा, क्या टेस्टी क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह आलू वाला पराठा बड़ा मजे का, ऊपर से वो साग कभी नहीं जो मिल रहा, 24 घंटे जब मर्जी गर्मी सर्दी हर मौसम में अवेलेबल है, बड़ा मजा आता है। ओके जी, तो फाइनली हमारे पास जनाब पराठा आ चुका है आलू वाला, और क्या ज़बरदस्त किस्म का जनाब ऊपर से शशका बनाया हुआ है साग का, ऊपर से इनकी टमाटर वाली चटनी है, और साथ है भाई मक्खन, और दूसरी साइड में हमारे पास है भाई अंडे वाला पराठा। देखो भाई, लहरें बह रहे हैं प्रॉपर, मक्खन के ऊपर अंडा लग गया, टमाटर वाली चटनी और साग। तो जनाब टेस्ट करते हैं सबसे पहले ये वाला पराठा। हा, अंदर चाकी मार लीजिए। ये देखो ज़रा, आलू वाला पराठा, अराई, साग, सारा कुछ मिक्स कर दिया भाई इन्होंने, एक साइड से बड़ी प्यारी सी बाइट बनाते हैं। एक वक्त मुंह जो है वो पानी से भर चुका है। यार साग जो है ना इनका, उसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कसर है, मतलब थोड़ी सी साग के अंदर कड़वाहट है, मुझे लग रहा है साग मुझे थोड़ा सा कमी महसूस करवा रहा है, अदरवाइज़ चीज़ बड़ी कमाल की बनी है यार, बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है भाई। प्रॉपर टमाटर की चटनी, मक्खन लगा के जब आप ये बाइट बनाओगे आलू वाली, क्या बात, वाह क्या बात है, क्या बात, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। अगर तो आप देसी माहौल के अंदर ये आलू वाले पराठे इंजॉय करना चाह रहे हो, तो ये जगह है, यहाँ से गुजर रहे हो तो ये डेफ़िनेटली ट्राई करने बनते हैं। एक बहुत ही एक मुनासिब जगह है जहाँ पर आप आकर ये पराठे खा सकते हो भाई। टेस्ट की अगर बात करूँ तो टेस्ट भी बहुत ही आला है, मुझे साग थोड़ा सा जो है वो उस लेवल का महसूस नहीं हो रहा, जो मतलब गेम उठाने वाला नहीं नज़र आ, लेकिन जो पराठे का सीन है, जो इसकी टमाटर वाली चटनी है, जो मक्खन शक्खन है भाई, बहुत आला है। इधर देखें, अगर अंडे वाला ट्राई करें तो उसमें कोई ख़ास डिफरेंस होगा नहीं, बस अंडा उन्होंने ऊपर लगा दिया, इसमें वही साग और मक्खन शक्खन लगा के इसको ज़रा ट्राई करते हैं। अंडे वाले की फील ज़्यादा मज़े की आ रही है,
बीच में अंडा भी आ गया, तो अंडे का जो बीच में फ्लेवर आया वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये देखो ज़रा, हाय 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 हाय, ये ऊपर अंडा, क्या बात है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से साग लिया, यहाँ से ली टमाटर वाली चटनी, ये है मक्खन, गर्मा गर्म पराठा, और क्या खूबसूरत किस्म की बाइट बनी है भाई। ओए होए 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 होए, ये हाँ लाजवाब। मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर सर्कुलर रोड लोहारी गेट वाली साइड से अगर गुजर रहे हो तो मेहमान खाना रेस्टोरेंट है, ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इसके नीचे ही बैठते हैं। 24 घंटे सर्विस है भाई साहब, 24 घंटे आपको यहाँ पर जो है ये मिल जाएंगे पराठे। आएँ ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पर आपको मूली वाला भी मिलेगा, वो अभी ख़त्म हो गया इनके पास, लेकिन ये वाला शशका जो है बड़ा हैवी चल रहा है, डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। बहुत बढ़िया।